सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस GBPUAT का जो यहाँ पर है ना एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया, तो एडमिशन शुरू है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचेंगे, पहली बात तो ये है। एप्लीकेशन फॉर्म के सभी प्रोसेस जो होंगे वो प्रोसेस कैसे कम्प्लीट करेंगे, किस बातों को ध्यान रखते हुए आप कर पाएंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को ध्यान तक लास्ट तक, ताकि आपको सारे प्रोसेस समझ में आए। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करनी है, किस तरह से फिल करनी है, सभी बच्चों को जिन बच्चों को भी डाउट होगा वो यहाँ पर सारी डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी है, वहाँ पर आपको टाइप करनी होती है यहाँ पर GBPUAT2022IAS पर टाइप करनी है एंड सर्च करनी है। सर्च करते ही आप ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिशन 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिशन तो शुरू है, एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जस्ट यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ हो, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलीज़ हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बट उससे पहले फॉर्म एक सिंपल फॉर्म है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है। इसमें अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये फिल करने से क्या होगा, ये फिल करने से क्या होगा कि आपको जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे दुनिया के, जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे उन सभी के रिलेटेड आपको बेस्ट सजेशंस आपको मिलेंगे आपके ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, इसे कट कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज फॉर एमटेक कोर्सेज एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर मास्टर एमटेक एंड पीएचडी के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आपको अप्लाई करने के लिए आगे आ जाना। अब जब ये करते हैं ऐसा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई फॉर एमटेक एंड स्पॉन्सर्ड क्लिक कर देना होगा। अब जब ये करते हैं, हाँ तो जब ये करते हैं तो आपको और देखने को मिलता है यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये एमटेक बताना है, प्रोग्राम क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और डोमिसाइल बतानी है कौन से स्टेट का है, कैप्चा कोड यहाँ पर बतानी है एंटर करके, फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सो रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो मतलब जब भी रजिस्टर करता हूँ तो मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, नो पॉपअप आएगा ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा पॉपअप और उसके बाद वहाँ पर बोलेगा सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जैसे ओके पे क्लिक कर दें तो आपको फ़ोन में आपके टेक्स्ट मैसेज आएंगे, और वो मैसेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर टाइप करेंगे जब भी आप तो लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले फील प्रोसेस पे कर दूँगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आता है, जहाँ पर अब मैं देख पाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करनी होती है, मतलब यहाँ पर सभी देखने के बाद आपको सीधा फादर नेम, मदर नेम फिल करनी है, नेशनलिटी आपको बतानी है आपकी इंडियन में कौन सी कैटेगरी से, आप बताएंगे जेंडर मेल या फीमेल, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी यहाँ पर बता सकते हैं, जिस बताने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी कोड आ जाता है, रिलीजन बतानी होती है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस। नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप हैं यस करें, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें सिंपली। उसके बाद डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरीज, EWS कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो आप बता सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो यस या नो में आंसर देना है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर बतानी है, पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, जो भी आप करें यहाँ पर आप बता सकते हो। हैव यू एवर बीन स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पर कभी क्या अप्लाई किया रहेगा जहाँ इस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर बताएं यस या नो में आंसर दें, तो मैंने नहीं किया था, पर पहली बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताने के बाद HR फैक्टर बतानी होती है और सेव प्रोसेस करना होता है। सो यहाँ पे आपको फिल करने का अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट बतानी है, पिन कोड बतानी है, एड्रेस में यहीं पर फिल करनी है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है तो आप दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं, दूसरा एड्रेस नहीं है यही एड्रेस है तो यहाँ पर टिक करते हैं, सेम हो जाएगा और यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर पाएंगे। जब आप ये करते हैं तो आपको यहाँ पर आएगा कि कैंडिडेट्स
एजुकेशनल डिटेल, तो यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देनी होती है जहाँ पर एग्जामिनेशन, तो देख सकते हैं जैसे कि हाई स्कूल ऑफ इक्विवेलेंट का यहाँ पर एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं, पासिंग ईयर देख पा रहे हैं, डिवीज़न देख सकते हैं, ऑप्टेन मार्क्स परसेंटेज, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलता है, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, और यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पर अदर्स सभी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास और अपेयरिंग, यहाँ पर टाइप करेंगे पास या फिर क्या हुआ है, सेलेक्ट द डिपार्टमेंट फॉर एडमिशन के लिए, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और डिपार्टमेंट जो भी होगा आप यहाँ पर डिपार्टमेंट बता सकते हैं। सब यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए सब यहाँ पर लिखा है, अगर आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो। गेट मार्क्स पर क्लिक करना और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना। सो आप यहाँ पर आते ही इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर अपलोड फोटो करना होता है, सिग्नेचर एंड थंबप्रिंट इम्प्रेशन। सो आप यहाँ पर फिल करेंगे, सिंपल है, अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम साइज़ इसकी होनी चाहिए 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, इतना कम से कम नहीं, ठीक है, इतना मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 KB से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए आपका, 50 KB से कम होना चाहिए फ़ोटो की साइज़, ठीक है। वहाँ पर जो KB में आंसर ना MB KB, सो तो ये KB छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना KB से कम आना चाहिए तभी आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो अपना। सिग्नेचर में भी सेम यही चीज़, 20 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पर थंबप्रिंट इंप्रेशन में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट होगा, फिर यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फोटो दिखेगा, फिर यहाँ पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा, फिर यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड हो जाएगा, दिख जाएगा आपको थंबप्रिंट अपलोड, लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर डालना है, उसके थंब इंप्रेशन।